कभी करता था 8,000 रुपए की नौकरी, लेकिन अचानक बन गया करोड़ों का मालिक। मामूली से लड़के ने कैसे तोड़े कमाई के सारे रिकॉर्ड्स और कैसे करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन गया। ऐसा तो फिल्मों में भी नहीं होता। खाकपति से लखपति और लखपति से करोड़पति बनने की कहानी कर देगी हैरान। देखिए कैसे चिंटू ने कमाई अकूत संपत्ति और क्यों अब पुलिस ने हिरासत में चिंटू को लिया। किस्मत का खेल कब आपको हीरो से जीरो और जीरो से हीरो बना दे कहा नहीं जा सकता। शॉर्टकट कभी आपको नफा देते हैं तो कई बार नुकसान भी पहुंचाते हैं, और ऐसी ही कहानी है आगरा के रहने वाले देवेंद्र आहूजा उर्फ चिंटू की, जो कभी मात्र 8,000 रुपए की नौकरी करता था, लेकिन अचानक उसकी कमाई के सारे रिकॉर्ड्स टूट गए और करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन गया। लोगों को शक था कि देवेंद्र जरूर कुछ ऐसा कर रहा है जो सही नहीं है, और लोगों का शक तब सही निकला जब देवेंद्र को पुलिस ने हिरासत में लिया और फिर शुरू हुआ खुलासों का दौर। एक के बाद एक पुलिस ने ऐसे राजफाश किए जिसने हैरान कर दिया, और लोगों को तब पता चला कि देवेंद्र के पास पैसा आखिर आ कहां से रहा था। तो शुरू करते हैं एक के बाद एक चौंकाने वाले राजफाश की कहानी का सिलसिला, और बताते हैं कि कैसे देवेंद्र आहूजा करोड़पति बन गया। दरअसल देवेंद्र के दिन तब बदले जब पूर्वांचल के एक बाहुबली से उसका संपर्क हुआ और फिर उसका वो खासम खास बन गया। देवेंद्र ने बाहुबली के संपर्क में आने के बाद नशे की दवाओं का काम बड़े स्तर पर शुरू किया और बांग्लादेश तक नशे के लिए कफ सिरप की कालाबाजारी शुरू कर दी। पश्चिम बंगाल के एसओजी ने जय राम जी मेडिकल स्टोर के संचालक देवेंद्र आहूजा उर्फ चिंटू को गिरफ्तार किया। देवेंद्र आहूजा आगरा के प्रताप नगर का रहने वाला है। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद दवा बाजार में चर्चाओं का बाजार गर्म है। पुलिस को पूछताछ में पता चला कि देवेंद्र 10 साल पहले आगरा के फव्वारा की एक फर्म कंपनी में नौकरी करता था। वहीं दवा बाजार के कुछ लोगों से उसकी मुलाकात हुई। यहीं से एक दिन वो पूर्वांचल के एक बाहुबली के संपर्क में आ गया। फिर क्या था, उसने नौकरी छोड़ दी। वो नशे की दवाओं के बाजार में उतर गया, खूब पैसा कमाया। पुलिस से भी साठगांठ हो गई, वो पकड़ा नहीं गया। उसने कई राज्यों में काम फैला दिया। उसकी अचल संपत्ति करोड़ों में बताई जा रही है। देवेंद्र के पास आधा दर्जन महंगे वाहन होने की भी चर्चा है। देवेंद्र के पकड़े जाने के बाद एक और बात चर्चा में है कि पहले देवेंद्र और एक अन्य साथी मिलकर काम करते थे। सिर्फ दवा और कमीशन का रेट फिक्स होता था। रेट को लेकर दोनों में विवाद हो गया और वो अलग हो गए, एक दूसरे का माल पकड़वाने लगे। बीते दिनों गोरखपुर में पकड़ी गई खेप भी इसी का हिस्सा थी। इससे आशंका है कि देवेंद्र के साझीदार की वजह से वो पकड़ा गया। थाना कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक सुभाष चंद्र पांडे ने बताया कि देवेंद्र आहूजा को शनिवार दोपहर को पुलिस कोर्ट लेकर पहुंची। पश्चिम बंगाल पुलिस ने सीजेएम प्रदीप कुमार सिंह की कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया और इसमें लिखा कि दवा के माफिया से पूछताछ करनी है, इसके लिए ट्रांजिट रिमांड मांगी। सीजेएम ने रिमांड की रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लिया। देवेंद्र को 29 नवंबर की शाम 4 बजे तक के लिए ट्रांजिट रिमांड पर देने के आदेश दिए थे कि तभी देवेंद्र आहूजा ने तबीयत खराब होने की बात कही और कहा कि मेरे सीने में दर्द है। इस पर पुलिस उसे जिला अस्पताल लेकर आई। अस्पताल में चिकित्सकों की जांच में वो फिट निकला, हालांकि उसे दवा जरूर दी गई। इसके बाद पुलिस उसे लेकर पश्चिम बंगाल चली गई। आरोपी देवेंद्र पुलिस हिरासत में है और चर्चाओं का बाजार गर्म है। हर तरफ हंगामा बरपा हुआ और सभी का एक ही कहना है कि मेहनत की एक रोटी खाओ, लेकिन लालच की 10 के चक्कर में न पड़ो। कमाई का शॉर्टकट आपकी कमाई में इजाफा तो करेगा, लेकिन मुसीबतें भी साथ लेकर आएगा, और हर रोज किसी न किसी अनहोनी का अंदेशा आपको सताता रहेगा, और जिस दिन कानून का डंडा चला तो उस दिन आप सलाखों के पीछे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।